वीडियो गेम वर्ल्ड के अंदर जब भी परफेक्शन की बात हो तो मेरे जेन में हमेशा एक ही नाम आता है एंड दैट माय फ्रेंड्स इज रॉकस्टार गेम्स जिसके पीछे कमाल के ओपन वर्ल्ड्स और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग तो रीजन रीजन ही लेकिन सबसे बड़ा इन दोनों एलिमेंट से हट के है इनकी अनप्रिडिक्टेबल रेंज कहीं कोई कॉन्ट्रोवर्शियल गोरफेस्ट टाइप गेम मैन हंट है तो कहीं बुली की नोटिनस है कहीं रेड एड एडम्शन के इमोशन है तो कोई ग्रैंड थेफ्ट ऑफ फाइव जैसा मैसेव स्केल वाला टाइटल है दिस इज केज पाकिस्तान आज के प्रेस प्ले के अंदर हम बात करने जा रहे हैं द ब्रिलियंस ऑफ रॉक स्टार गेम्स लेट्स किक थिंग्स ऑफ अगर तो हमारी इस टाइमलाइन में कभी जी टी एच थ्री ना रिलीज़ होती तो कितनी ऐसी गेम्स हैं जिनको हम बहुत खेलते हैं और पसंद करते हैं आजकल में वो शायद कम्पलीटली डिफरेंट होती या मेरे ख्याल में मोर सो एग्जिस्ट ही ना कर पाती GTA 3 ने आते साथ ही बैक इन टू थाउजेंड एंड वन को गेम चेंज कर दिया था बट रहेगा और इतने बड़े बड़े टाइटल्स इसी की बेस फाउंडेशन पर बेस्ड होंगे दो हजार एक में टेक्नोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से एक लिविंग ब्रीदिंग अलाइव ओपन वर्ल्ड बनाना जिसमें आप गाड़ी से उतर के ऑन फुट फिर सकते हैं कहीं पर भी जा सकते हैं किसी को भी उड़ा सकते हैं

घूमना टैंक चला देने या गाड़ी में चिलिंग करनी ड्राइव करना और रेडियो एक्स पर जब टोटो बैंड का होल्ड द लाइन लगता था तो क्या फील बनती थी ढेर सारे इन गेम ऑप्शन कैरेक्टर प्रोग्रेशन फीचर थी इसके अंदर जैसा आप अपना मसल बिल्ड कर सकते हैं आप ज्यादा खाएं तो आप मोटे हो सकते हैं मेरी तरह स्टेमिना स्ट्रेंथ दी एबिलिटी ऑफ गोइंग आउट एंड ईट शॉप्स में जाकर शॉपिंग करना वहाँ की आर्केड मशीन्स को खेलना जिम में जाके बिल्ड बना लेनी बॉडी की इतनी सारी रेंज थी ऑल्सो हमें इसी गेम से वो कल्चरल मीम भी मिली All we had to do was follow the damn train, CJ.

क्योंकि अगर आप या तलाश करने लग जाएं और, ना, और फिर डरने भी लग जाएंगे तो इसीलिए इस चीज को हम साइड पे रख देते हैं दिस इज अ डिस्कशन फॉर अनदर डे मैन हंड आई बिलीव है थीम्ड अराउंड एक वीएड गेम शो पर जहां हमने ब्रेक आउट करके कैसे तैसे करके ब्रूटल इनसेन और ग्राफिक क्रिएटिव में सबको मारना है और एंड पे प्रोड्यूसर तक पहुंचना है उसे भी मारने के लिए देर इज नो सरप्राइज ये समरी है अभी मैन एंड की वॉयेंट अप्रोच और ऐसे डिजाइन ने रॉकस्टार को काफी केसेस कोर्ट अपील चैलेंजेस और बैन में भी फंसाया था ये गेम प्ले स्टेशन टू ओ जी एक्स बॉक्स और पी एस पी पर भी आई थी और इवन यूके में बैन भी हुई थी बिकॉज जब हम गोर की बात करते हैं तो एक डूम वाला गोर आता है एक मॉडल कॉम्बैट के अंदर फीचर किया हुआ गोर आता है गोर इज टू सम वीडियो गेम्स अ वेरी बिग हाईलाइट एंड एन असेंशियल पार्ट ऑफ सेलिंग द गेम जिसकी वजह से गेम के फैंस बनते हैं फिर आपको डेड स्पेस वाला गोर भी मिलता है आजकल में आपके लिए स्टॉप प्रोटोकॉल देखें लेकिन जो मैन एंड को चीज सेपरेट करती है ना और फाइन लाइन ड्रॉ करती है कॉम्बैट डूम और डेड स्पेस टाइप की गेमों से वो इसकी अजीब सी स्टेटिस्टिक सी एक ब्रूटल सी और एक वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा जो लो की ये है उस तरह की अप्रोच इसको बहुत ही डरेज किस्म का टाइटल बना देती है और मतलब यू नो आई एम एट द लॉस ऑफ वर्ड्स राइट नाउ कि अगर मैं मैन एंड को खुल के डिस्क्राइब भी करूँ तो मैं कैसे करूँगा अब हम जरा खतरनाक चीजों से हटके शैतानियों पे आते हैं मस्तियों की बात करते हैं अंत किस्म का शुगर के दर लगता है उस तरफ आते हैं बोली हम सबकी फेवरेट गेम है जहाँ एक ढीट किस्म का बच्चा हाई स्कूल में वो वो हरकतें करता है जिससे हमें फुल तफरी मिलती है ये एक लेजेंडरी वीडियो गेम है दैट वी ऑल लव एंड टू थिंक कि जिस स्टूडियो के पास वर्ल्ड क्लास सीरियस क्राइम बेस्ड और एजी नैरेटिव स्टोरी लाइन है जो स्टूडियो है ही इस तरह की चीजों के लिए मशहूर वो हमें अमरीका की गलियों से उठा के सड़कों पे मार धहाड़ करने से सीधा एक हाई स्कूल में ले जाएगा और वो भी ऐसे कि एक्चुअली हाई स्कूल लाइफ की क्रेजीनेस और सारा ड्रामा हम घर बैठे एक्सपीरियंस कर लेंगे ये है जनाब द ब्रिलियंस ऑफ रॉक गेम्स फॉर यू बुली में बुल स्कूल भी उतना ही बड़ा कैरेक्टर है खुद जितना इस गेम में बाकी एक्चुअल कैरेक्टर है एक्टिविटीज जैसे एक्चुअल क्लासेज अटेंड करना उन्हें बंक करना स्नीक इन करना देर इज रोमैंस देर इज एक्चुअली बुलियंग पीपल एंड बीटिंग अदर किड्स अप वो प्रीफेक्ट जो कान पकड़ लेते थे ना दिल करता था चंड ग्राउंड उनको मैं असल में मतलब बुली इज सच ए फन गेम एंड सच एज अ क्लास ऑफ इट्स ओन के बंदा सोचने लग जाता है कि यार इफ एनी वन ओनली रॉक स्टार कैन पोल ऑफ सच ए मास्टर क्लास टाइटल जहां पर रॉक स्टार गेम्स की बहुत से टाइटल्स बॉक्स ऑफिस पे खुल के राज करते हैं ना वहीं पर कुछ ऐसी इंस्टेंसेस भी हुई हैं जहां पर अनफॉर्चुनेटली गेम अपने आप में बहुत अच्छी होती थी वो टिपिकल रॉक वाली सॉलिड क्वालिटी उनमें होती थी कमाल की ऑफरिंग्स होती थी लेकिन फॉर सम रीजन वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं रही एलेनोर एक बोल्ड स्टेप था क्राइम ऑर यानरा में जाने का जिधर एज कोल फिलिप्स अडिटेक्टिव हम एक खूबसूरत से लॉस एंजलिस के नोयर सेटिंग वाले बैकड्रॉप में खेलते हैं अनकवर मिस्ट्रीज एंड सॉल्व क्राइम ये ओपन वर्ल्ड गेम एम्बिशियस थी फ्रेश थी हाँ जरा स्लो बन भी थी क्योंकि इसकी पेसिंग और प्रोग्रेशन नेचुरली थोड़ी सी स्लो थी इसमें ड्रामा वाली फील ज्यादा मिलती है कंपेयर टू द नेचर ऑफ अदर रॉक स्टार गेम्स जैसे जी टी ए या इवन रेड डेड हो गी. इसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन पर काफी जोर का एम्फोसिस था फ्रॉम अ डवेलपमेंटल पॉइंट क्योंकि उन्होंने लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन जब वो नर्वस होते हैं जब वो झूठ बोलते हैं या वो सच बोल रहे हो तो उस तरह का एक फेशियल स्ट्रक्चर सिस्टम इसके अंदर एड इन किया था जिसकी उस टाइम पर बहुत ज्यादा हाइप थी होती है लिटल थिंग्स दट रॉक स्टार इज ऑलवेज ट्राइड टू

कर लेती है। जहां हमें डार्क और ग्रिटी, गंदे के 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 न्यूयॉर्क की आदत है, वहां हम सुबह-सुबह दोपहर को ब्राज़ील अंदर फिर और और कितना बड़ा डिफरेंस लाया था एज वन और टू रेमेडी ने बनाई थी और फिर थ्री के अंदर आपके सैम हाउजर और आई बिलीव डैन हाउजर ने

एक होती है हाइप जहां पर ट्रेलर्स स्क्रीनशॉट्स का खूब एक्साइटिंग सा समा बना होता है एक अलग किस्म की मेगा हाइप भी होती है जिधर लोग एक्टिवली शौक से स्पेसिफिक अपनी अवेटेड गेम की बातें करते रहते हैं डिस्कशन चलती है लोग कॉन्टेंट बना रहे होते हैं एंड देन माई फ्रेंड्स आती है जी टी ए लेवल की हाइप जिधर सिचुएशन ग्लोबल हो जाती है मेन स्ट्रीम की भी बाउंड्री तोड़कर कहीं आगे निकल जाती है जहां पर आपकी एवरीडे न्यूज टीवी पर्सनैलिटीज जो बहुत फेमस हैं लेकिन उनकी कोई भी गेमिंग से रिलेटेबिलिटी नहीं है सेलिब्रिटीज

जो क्रेजी किस्म की हाइप थी ना मैं छोटा था काफी 360 पे दुकानें भरी हुई थी सारे GTA फाइव के लिए आए हुए हैं, कोई किसी को फोन कर रहा है कुछ दुकानों के बाहर गपशप चल रही है GTA पे लेकिन मैड इट वॉज क्रेजी

Over the might and power of Rockstar Games and the banner of Grand Theft Auto. यहाँ पर एज ऑफ नाउ अगर आप वीडियो में आ गए और अब तक आपने देख लिया तो आपको एक चीज तो लग रही होगी कि बंटू भाई शायद एक चीज को बहुत जोर से मिस आउट कर गए बंटू भाई उसी चीज पर आ चुके हैं और उसकी बात करने लगे डोंट वरी एट ऑल वाइल्ड वेस्ट की जो थीम्स हैं और यानरा हैं उनको लेजेंडरी क्लेम स्टेटस मिला हॉलीवुड की कॉन्ट्रीब्यूशन से ये यानरा कैरी किया द लास्ट आउटलॉक क्लिंट ईस्टबोर्ड ने मेनली हेडलाइनिंग द्री मास्टर पीस

कि 2010 में आने वाली गेम का सीक्वल 2018 के बाद 50 मिलियन यूनिट्स सेल कर गया एन एक्सपेंसिव स्प्रॉलिंग ओपन वर्ल्ड जिसमें इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, लाइफ है देर सो मच ऑफ ब्यूटी रिएक्टिव और अलाइव एनपीसीज हैं, विस्टास ऐसे हैं कि दिल कहीं उनमे बैंड ऑफ आउटलॉस एक से बढ़ के मोस्ट नियर एंड डियर प्रोटेगनिस्ट अगर अब की हम बात करें और रॉजर क्लाक जिसने दी परफॉर्मेंस ऑफ अम एक रूथलेस कोल्ड ब्लडेड आउटलॉ किलर को जो अपनी सो कॉल्ड फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था किसी को भी मार सकता था कहीं पर भी रॉबरी कर सकता था उसमें स्लोली ह्यूमैनिटी आते देखना उसका पत्थर जैसा दिल नरम होते देखना एक फियरलेस आउटलॉ को डरते हुए देखना और एक्सेप्टेंस लाना एंड द फैक्ट दैट ही स्टार्ट्स टू बिलीव के डेथ में ही रिडेम्पशन है इज द ट्रू जीनियस ऑफ रॉक गेम्स एंड विद ऑल दिस said, माई फ्रेंड्स हमारे आज का एपिसोड होता है ख़त्म उम्मीद है कि आपने ये खास एपिसोड इन्जॉय किया होगा बिकॉज इसको लिखते हुए इसको बनाते हुए मैंने बहुत इन्जॉय किया है एज एम एूज फैन ऑफ रॉक स्टार गेम्स जो आप तो एज ऑफ नाउ समझ ही गए होंगे खैर कौन नहीं है लेट me know your इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड शेयर योर फेवरेट रॉक स्टार गेम विद मी as वेल एंड फॉर मोर ऑन पॉप कल्चर एंड वीडियो गेम्स यू आर ऑलरेडी इन द राइट प्लेस एट आई जी पाकिस्तान